हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि क्विक रेसिपी। और आज हम बनाएंगे ओट्स उत्पम, ओट्स चीला। सबसे पहले मैंने रॉ ओट्स लिया हुआ है, इसको भून के मैंने मिक्सर बनाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो में। और मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स काटी हुई हैं। तो सबसे पहले हम ओट्स मिक्सर को लेंगे और इसमें हम एक कटोरी दही डालेंगे। तो ढंग से हम इसे मिक्स करेंगे। तो ये हमारी रेसिपी लेस कैलोरी है। जो लोग डाइट प्लान फॉलो करते हैं वो इस रेसिपी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने और थोड़ा सा पानी मिला लिया है क्योंकि मुझे मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था। और इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून भुना जीरा लिया है मैंने, हाफ टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है, 2 ग्रीन चिली यूज़ करी हुई है मैंने। और यहाँ पर हम सेंधा नमक यूज़ कर रहे हैं। मिक्सचर को हम ढंग से मिलाएंगे। तो मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। वेजिटेबल्स मैंने काट ली है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन को हीट कर लिया है। हम पेस्ट लेके इसको चारों तरफ फैलाएंगे और 5 मिनट के लिए वेट करेंगे और गैस को सिम कर देंगे। ऑयल आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर भी नॉन स्टिक के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम वेजिटेबल्स को यूज़ करेंगे। अब मैंने ऑनियन ऐड किया है, टमाटो ऐड किया है यहाँ पे, कैप्सिकम और बीन्स भी मैंने काटे हुए थे तो उनको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर भी छिड़क सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ उत्पम हमारा नीचे से एक कुक हो गया है, इसको पलट लेंगे हम। दोनों तरफ से हम इसको उत्पम को कुक करेंगे। गैस को हम सिम ही रहने देंगे। तो उत्पम हमारा रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे ओट्स चीला। तो ओट्स चीले के लिए भी हमें पेस्ट को चारों तरफ ऐसे ही फैलाएंगे। इसे भी दोनों तरफ से कुक करेंगे। तो ओट सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, तो हमेशा इसको गैस को हम कम ही रखेंगे। हमारा चीला भी रेडी है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और ऐसे ही देखते रहिए मेरी रेसिपीज़। तो मिलते हैं नई रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय एंड टेक केयर।